एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो ये दूसरे के तलवा चल। हेलो दोस्तों, हमें आपके होस्ट आपके दोस्त मोहित और सचिन स्वागत करते हैं एमएस ब्लॉगर के एक और ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम आपको कहाँ लेकर के आए हैं सचिन, कहाँ लेके आए हैं आज? मैंने आज हम आपको लेके आए हैं किसान आंदोलन जो हो रहा है हमारा सिंधु बॉर्डर के बॉर्डर पे। बिल्कुल, तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ कैसे कैसे हो रही है, कैसे लोग मैनेज कर पा रहे हैं अपने आपको यहाँ पे रात भर रुकना और जीना। और वही दिखाएंगे, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हजारों की तादाद में, चाहे आप हरियाणा ले लो चाहे पंजाब ले लो, मतलब दोनों जगह से, दोनों स्टेट से लोग भर भर के, जो कि हमारी किसान भाई हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं, बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से अभी ठंड हो रखी है और फिर भी लोग यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं वो स्टे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो, क्या क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से कैसे फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप अभी तक की जो भी हमने आपको यहाँ जगह के बारे में दिखाया है, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। और आपने देखा होगा कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं, मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में एक तरीके से लोग आए हैं। हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है यहाँ पर, जो कि लोगों ने खुद क्रिएट किया है चीज़ों को, कि अगर उन्हें मतलब कुछ भी बनाना है खाने का, इतना अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने अभी कुछ खाया भी यहाँ पर, तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज फिर उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होता कि हम कुछ खा रहे हो उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसी जगह पर। तो बाकी सचिन ने भी कुछ जो है एक्सप्लोर करी जब तक मैं यहाँ पे खा रहा था, तो इसने भी कुछ एक्सप्लोर करा। तो सचिन तूने क्या क्या देखा बता? मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया है कि कोई भी आगे कोई भी खाओ, खाने का बहुत अच्छा था इंतजाम है। उसके बाद हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना ये हेल्थ के कैंप लगे हुए हैं, आपको टेस्ट कराना है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। और हर मतलब 10 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस पे है ये, करेक्ट, तो उससे आप मतलब कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी हेल्थ रिलेटेड। और मतलब लोगों ने बहुत क्रिएटिव तरीके से लोगों भी लिखे हुए हैं या इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको बहुत हैपनिंग सा प्लेस लगेगा यहाँ। करेक्ट करेक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, मतलब लगेगा नहीं कि यार कि प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको फील भी नहीं करेंगे, इतना आराम से हो रहा है सब कुछ, इतना कामली चल रहा है, बिल्कुल। और मतलब आपको सॉक्स मिल रही है, सॉक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनके पास शूज नहीं है शूज प्रोवाइड करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगोज वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब उन पर इतने अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं ना कि आपको पता लगेगा कि हाँ हमारी लाइफ में किसान की क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे शूज वगैरह बिक रहे जो बुजुर्ग लोग, बिल्कुल, शूज वगैरह भी, खाने की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल निकालते हो ना वो आपको यहाँ पे, वो यहाँ पर मिलेंगी, बिल्कुल। ऐसे किसी कोई भी आओ कोई भी खाओ, बट इनफैक्ट जब हम आए थे उस समय जलेबी बट रही थी, स्टार्टिंग में जलेबी बट रही थी, गाजर का हलवा बट रहा था। तो यार आपको मस्ट है कि आपको एक एटलीस्ट एक बार तो विजिट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों में। तो बाकी अभी और बड़ा है काफ़ी, 5-6-7 किलोमीटर के लगभग यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप आकर के एक बार देख सकते हैं, विजिट करिए यार, सपोर्ट करिए हमारे फार्मर्स भाइयों को। तो बाकी का दिखाते हैं आपको। सो गाइस, अभी हमारे साथ ना एक और भाई हमारे जुड़ चुके हैं जिन्हें आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा है। तो यार कहाँ चलेगा पीछे से? हेलो हेलो, बाजवा साहब आ चुके हैं, तो ये भी यहीं पे आसपास ही रहते हैं, तो प्रोटेस्ट में है भाई। अच्छा, प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में भी है भाई, प्रोटेस्ट में ही है यहाँ पर, तो अपने एक महीने से कंटिन्यू। वो देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो शिद्दत, देख रहे हो यहीं पर है। वी आर फार्मर, ओके, सपोर्ट फार्मर, बिल्कुल। अभी हमने एक भाई का इंटरव्यू लिया है, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए,
तो बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने उस पर बात की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया। जब आप सुनोगे समझोगे तब आपको पता चलेगा ये है क्या, ये प्रोटेस्ट क्यों है। आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ, इतना शांति प्रिय प्रोटेस्ट हो रहा है ना। मतलब आप आओगे ना तो आप सुन के देखना, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली है क्या। देखो पाजी के जोश से पता लग रहा होगा आपको, अंगार लेके बैठे हुए। ये देखो बेसिकली जो हम है अंगाता है हमारे, अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे ना पाजी तो इस जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी को बहस कर रही है इस बिल के अगेंस्ट, भाई से बात एक एक पॉइंट वन टू वन। इन भाई के माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे सिर्फ इस बिल का एक बेनिफिट बता दे, कोई भी बता दे, एक ओनली वन बेनिफिट। बिल्कुल, मैं उसका जवाब दूंगा। लिख देना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका एक फायदा है। और अगर कोई ये कहता है ना कि पाजी यहाँ से अब मतलब किसान कहीं भी बेच सकता है, तो पाजी वो पहले ही था, वो बता देगा वो पहले ही था, किसान अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकता था। तो ये बात पता कर लेना और समझ लेना, तब बात बात करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, तो यार चलो थोड़ा सा और है आगे की तरफ, आगे हो गया। बिल्कुल, चलिए फिर। गाइस, और टाइम हो चुका है शाम के कुछ 4:30, थकान भी हो गई है और अभी हमने काफ़ी कुछ घूम चुके हैं। भाई ने बहुत सारे जगह प्रसाद खाया है भाई का। एक हिसाब से बताऊं अगर तो लगी नहीं रहा कि ना मैं किसी प्रोटेस्ट में आया हूं, आई ऐसा कि किसी फूड फेस्ट में आए हैं या फिर मतलब कोई एक इवेंट चल रहा है। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ना ये, बहुत अमेजिंग। और हमारे साथ हमारे बाजवा भाई भी हैं जिनको यहाँ की पूरी डिटेल पता है, जो आपने ब्लॉग में पीछे सुन भी चुके हैं आप। तो अभी आगे हमें कुछ अच्छा सा दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे। करेक्ट। यार मतलब लोग ना इतने इंटरेस्टेड हैं, चीज़ें इतनी इंटरेस्टेड हैं और सब लोग इतने सपोर्टिव हैं। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए आप उनसे बोलो एक बार और वो दे देते हैं मुझे। करेक्ट। हमें यहाँ पे किसान मॉल भी दिखा एक, और बहुत सारे लोग जगह प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सोने का कैसे लोग ट्रैक्टर में भी सो रहे हैं वो भी हमने आपको दिखाया। तो लोग काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लगा हुआ है ना जहाँ पे सोते हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर ट्राई करते हैं अगर हम उतना आगे तक गए तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, उतना भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को तो आप एक बार यहाँ पे आके देखो कि लोग किस सिचुएशन में आके रह रहे हैं, ट्रैक्टर के अंदर आप कितने दिन सो जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ना हाईवे पे जाओगे ना, एक घंटा खड़े रहोगे इस मौसम में, और यहाँ पर ये लोग इस मौसम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रात को आपको पता ही है ठंड कितनी बढ़ जाती है। हैट्स ऑफ फॉर देम। ये सब हर जगह चल रहा है। बिल्कुल, और अभी आगे और भी दिखाते हैं कुछ अच्छा चीज हमें मिलेगा देखने को। प्रोटेस्ट कह सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। मतलब मेरे को लगता है कि इस प्रोटेस्ट ने ना एक बार सेट किया है कि प्रोटेस्ट इस तरीके से भी हो सकता है, इतनी शांतिपूर्ण भी हो सकता है। आपको हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत शांति से हो रहा है। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को आकर यहाँ बात करे और सुने और समझे किसानों के। बिल्कुल बिल्कुल, और होना चाहिए। और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, वो बोलते हैं कोई भी एक बंदा आए और हमसे बात तो करे एटलीस्ट, वो उनसे जाके बात करते जिनको कुछ पता ही नहीं, कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है। मैं सिर्फ एक वार्निंग कहना चाहूँगा कि मतलब कि वो जाते हैं काशी, जाते हैं कहीं, जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आप यहाँ पर एक बार इनकी दर्द सुनो, अब तक 30 किसान मर चुके हैं, आपको वहाँ पर उनके जश्न दिख रहा होगा, यहाँ पर मातम नहीं दिख रहा। प्लीज़ गवर्नमेंट को बोलते हैं आप आइए और उनसे बात करिए। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ अलग चीज़ें।
गाइस अभी आप लोग जो हमारे पीछे देख रहे हो ये यहाँ पर शिविर लगे हुए हैं और यकीन नहीं करोगे लगा कहाँ पर है ये शिविर, ये लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे, ट्रैक पे हैं पर ट्रैक पे नहीं आए। ये किसान आंदोलन में ही एक जगह है जहाँ पे लोगों के सोने का इंतजाम किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, देखो कितने प्रॉपर कैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं और बना भी, देखो कहाँ पर है पेट्रोल पंप है ये पीछे देख रहा हूँ, सिर्फ पेट्रोल पंप पे पूरे के पूरे ये शिविर लगे हुए हैं। तो सोने वगैरह के लिए पूरी फैसिलिटी करी है इन लोगों ने, खुद करी है और मतलब काफ़ी है यहाँ पे, आप आराम से आके सो सकते हो, रह सकते हो, बहुत मेहनत की है लोगों ने इस सबको अरेंज करने में। मतलब एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा आंदोलन है और एकदम पीसफुल चला है, कितना टाइम लगा हुआ, कितना और कितने लोग होंगे इसके पीछे इसको मैनेज करने के, और कितने मतलब कितने वो शिद्दत के साथ वो कर रहे हैं कि होता है ना कि यार मतलब ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहें, स्टेबल रहें, मतलब ज़बरदस्ती के दंगे वगैरह ना हो, तो उन सब चीज़ों को देख रहे हो ना कैसे कवर अप कर रहे हैं ये, राइट। और यहाँ पे ये अभी तक हम आपने जितना भी देखा है सिर्फ एक दो डेढ़ किलोमीटर ही हम लोग आए हैं, बट अभी आगे और 8-9 किलोमीटर तक ये ऐसा ही फैला हुआ है। जगह जगह पे आपको ऐसे सोने के टेंट मिलेंगे, ट्रैक्टर्स के अंदर लोग सो रहे हैं, भंडारा हर 10-15 मीटर पे बढ़ रहा है और जो फर्स्ट एड कैंप लगे हैं वो भी हर 10-15 मीटर पे लगे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, जितना भी लोग अभी मरे हैं यहाँ पे जो डेथ हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों की, दवाइयों की, मेडिकल की, हर चीज़ की, एम्बुलेंस तक भी है यहाँ पे, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है यार, और इतने शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है ये, करेक्ट। तो अभी आगे चलते हैं, आगे थोड़ा बहुत देखेंगे फिर जाएंगे हम घर की तरफ, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम कवर करेंगे, चलें लेट्स गो। देखो यहाँ पे लोग वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेलने का भी प्रॉपर नेट वेट लगा रखा है। आंदोलन के बारे में बताइए आप। भाई आंदोलन के बारे में तो यही है, इभी आए जाए बुलवा के जाओगे नहीं तो जानते नहीं, मोदी मानो या ना मानो बनवा के जाओगे, ठीक है ना। बैठने का इरादा ऐसे भाई, बैठने का इरादा ऐसा है जो कहता है भाई हरियाणा आया नहीं, खट्टर भाई हरियाणा आया, सबसे पहले आया था बड़ा भाई पंजाब बाद में आया था, ठीक है ना बात। छोटे भाई ये हमारे पंजाब के बापू जी बैठे हैं, अपने बड़े भरा पीछे खड़े है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे। कभी कहते आतंकवादी है, कभी कहते हैं कुछ है, सोशल मीडिया वाले दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। बाकी हमारे पंडित जी भाई बैठे हैं वो आपको सारी बीजेपी की सरकार आज बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, और मैं खट्टर साहब को यहाँ किसान आंदोलन से बताना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया गलत प्रचार कर रहा है पंजाब के बारे में वो खालिस्तानी आतंकवादी है, ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और पंजाब और हरियाणा और यूपी का किसान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और जो हमारे भाई बैठे हैं वो भी आने लग रहे हैं हरियाणा से, ये बिल्कुल गलत बात है, हरियाणा यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में है। हाँ ये तीनों बिल्कुल कानून वापस होने चाहिए, बिल्कुल गलत है, किसान हित में बिल्कुल नहीं है, ये अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने इन कानूनों को बनाया है, इनसे किसान का बिल्कुल ही खेती बाड़ी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और अडानी और अंबानी के घर पैसे वैसे बढ़ जाएंगे, किसान बिल्कुल पहले ही टूट चुका है और इस इन कानूनों से किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। न्यूज चैनल में मैंने देखा तो वो तो कह रहे हैं कि ये सब फायदे के लिए, तो नुकसान कुछ है नहीं, लोग मतलब लोगों को पागल बना रहे हैं लोग, कौन लोग जो पागल, हमारी हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो बिल्कुल बिक चुकी है, मोदी ने सारी मीडिया खरीद रखी है और मीडिया बिल्कुल गलत प्रचार दे रही है। हाँ यही रहेंगे बिल्कुल। हमें इस आंदोलन में दो भाई मिले हैं जो साइकिल से पंजाब से यहाँ तक आए हैं, तो अभी इन भाई से मिलते हैं। भाई बताइए अपने बारे में। हमारा नाम गुरप्रीत सिंह संधू, गांव हमारा बीका है, जिला नवांशहर पंजाब, हम साइकिल पे आए हैं और ये मेरे भाई साथ हैं, इनका नाम जसतिंदर सिंह शोकर है, ये पिंड मंडीरा से है नवांशहर। हाँ यस, तो मतलब साइकिल से भी दूर आए हो, बाकी बाइक वाइक से भी आ सकते थे वैसे, तो साइकिल से ही क्यों मतलब? भाई जैसे जुनून था यार, जैसे हमारे बुजुर्ग कितने, हम तो दो ही आए हैं,
बहुत बुजुर्ग तो बहुत आ रहे हैं साइकिल से ही। यस साइकिल से, व्हील चेयर वाले आ रहे हैं भाई। मतलब कोई मैसेज देना चाहते हो कि साइकिल जाने फिट इंडिया रहो फिट रहो? मैसेज भाई, साइकिल से तो बंदा फिट ही रहता है, हमेशा के लिए फिट होता है। जितना साइकिल चलाओगे अच्छा होगा। तो ये काले कानून रद्द होने चाहिए पहले तो। साइकिल से आके यही मैसेज देना चाहते हो क्या? यस यस, हाँ जी हाँ जी। कितने दिन आप रुकोगे यहाँ पे? अभी तो हैं, जितने दिन चलेगा यस यस अभी इतने हैं। तो वेलकम बैक गाइस, और टाइम हो चुका है यार शाम के 5:15, तो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। और अगर यहाँ तक अभी तक आप वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी हमने आप लोगों को इंटरव्यूज भी दिखाए हुए, कुछ लोगों से हमने बात की है, बिल्कुल कैसे उनकी राय है। तो आपकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट के बारे में, हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक देख भी चुके हो तो यार शेयर जरूर करना, ताकि लोग और ज्यादा अवेयर हो इस चीज के बारे में, लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता चले इस प्रोटेस्ट की क्या है। अभी तक जो मीडिया में आप सुनते हो वो सब नहीं, ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी करेक्ट करेक्ट। और उसके अलावा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर लिंक डालता हूँ मैं, फॉलो कर लिया करो यार। और इंस्टाग्राम पे आपको 2-3 इंटरव्यूज भी हमने बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ओके, और बाजवा सबको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। चलो बाय बाय, टेक केयर।